brought to you by Life is so sleek in my kitchen. Authorized distributor for Nepal Kitchen Concepts Private Limited. अब खाऊं वाई वाई आलू तामा को स्वाद मा स्वाद खोजे जस्तो सुगंध रोजे जस्तो. ब्रीज सीमेंट सॉलिड टेक्नोलॉजी ले बन्छा सॉलिड सीमेंट. हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भरे अभिवादन. आप सभी को चाहे तो एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम अपनो नेपाल अपनो गौरव में आप सबको स्वागत है. आओ कार्यक्रम में आगे बढ़ा आपकी पंक्तियाँ से. आपकी पंक्तियाँ. मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता. लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आप सब की तरह अनमोल नहीं होता. अब आज का अतिथि से बातचीत. हाल ही में वर्ल्ड हार्ट डे यानी कि विश्व हृदय रोग दिवस मनायो गयो और आज अपने कने अतिथि है सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर भरत रावत. इना से अपने हृदय में होने वाली समस्या और इनको समाधान इन विषय पर विविध बातचीत करांगा. आओ कार्यक्रम में इना को स्वागत करा. डॉक्टर साहब कार्यक्रम में आपका स्वागत. धन्यवाद डॉक्टर साहब. एक कहावत है, कोई अनजान भी बहुत दिनों तक आपके साथ रह जाए तो अपना सा लगने लगता है. डॉक्टर भरत रावत को नेपाल में करीब 17 वर्ष हो गए, अब नेपाल कैसा लगता है? नेपाल अपने घर जैसा ही लगता है, क्योंकि आपने जैसे कहा कि कुछ समय बाद जो अपरिचित चीज़ होती है वो भी परिचित हो जाती है. अब यहाँ पर मैं अपनी श्रीमती के साथ 1998 में 3 महीने के लिए आया था और आज वो 3 महीने 17 साल हो रहे हैं. और मैं ही नहीं बल्कि मेरी श्रीमती अंजलि भी और हमारे घर के जो दूसरे सदस्य हैं सभी लोग खुश हैं कि हम यहाँ पर ठीक से काम कर रहे हैं और लोगों का प्यार हमें मिला है, तो हम लोग खुश हैं यहाँ. और इन 17 वर्षों में नेपाल के करीब सभी बड़ी हस्तियों से आपकी मुलाकात हुई होगी. इन पर्सन हाउ यू फाइंड देम, और उनमें से किसे आइडियल के रूप में भी देखते हैं आप? थोड़ा जटिल प्रश्न है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खास पेशेंट्स को नज़दीक से देखने से हमको, खासतौर से एक हार्ट के डॉक्टर को, वास्तव में सिर्फ ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल और शुगर की मात्रा मालूम करने से उसके रोग के बारे में नहीं पता पड़ता है. वास्तव में आपको थोड़ा और अंदर जाना होता है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसकी सोच कैसी है. और मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ कि जब तक एज अ डॉक्टर मैं इन चीज़ों पर ध्यान ना दूँ और मैं जो व्यक्ति की साइकोलॉजी पता ना हो तो उसका इलाज करने में मैं सक्षम नहीं हो पाता हूँ. और यही नहीं बल्कि वो मेरा इलाज को वो स्वीकार भी नहीं करेगा. तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि एक डॉक्टर को, खासतौर से एक हार्ट के डॉक्टर को, अपने पेशेंट के बारे में सिर्फ मेडिकल नॉलेज नहीं हो बल्कि थोड़ी सी और उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसका साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी हो. जो आपने कहा कि विशिष्ट व्यक्ति हो, तो अब वास्तव में जब एक पेशेंट आता है ना, तो अब उस वक्त वो पेशेंट आपके लिए एकदम विशिष्ट हो जाता है. सही बात तो ये है, उस वक्त आप उसके बैकग्राउंड और उसके साथ के जो प्रेशर हैं या जो दूसरी जो उसकी जो बड़े व्यक्तित्व होने के साथ की जो बातें हैं वो थोड़ी सी कम इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं. अब जो आपका, क्योंकि हर पेशेंट एक आपके लिए एक चैलेंज, एक चुनौती होता है, तो मुझे लगता है सभी डॉक्टर्स के लिए कोई भी पेशेंट आए तो वो एक तरह की चुनौती, एक तरह से एक मौका होता है और उसको आप ठीक करते हो. भट्टरई जी के साथ हमारा कुछ ज़्यादा बीच बीच में वो कई बार एडमिट हुए थे उनकी मृत्यु से पहले, तब आप कृष्ण प्रसाद भट्टरई जी की बात कर रहा हूँ, तो उनके साथ मैं अब किसी को भी एक आइडियल या उस तरह से बोलना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये कह सकता हूँ कि उनकी पर्सनैलिटी में कहीं इस तरह की विशिष्ट बातें थीं. जैसे वो बड़ी तकलीफ़ में होते थे तब भी वो मधुर स्माइल देते थे. वो उनको कभी, मैंने इतने सालों तक उनका इलाज किया लेकिन मैंने उनको एकदम रेस्टलेस नहीं देखा. तकलीफ़ में थे तब भी रेस्टलेस नहीं देखा, और थोड़े से केयर फ्री थे. मतलब कितनी भी तकलीफ़ के वक्त भी पान चाहिए उनको,
और थोड़ा ही खाते थे लेकिन खाना अच्छा चाहिए, तो थोड़े से पसंदीदा तो टाइप व्यक्तित्व था उनका। तो मुझे इस तरह से प्रत्येक काफ़ी पेशेंट्स के बारे में, प्रत्येक व्यक्तियों का अपना अपना एक स्वभाव होता है, और मुझे कई लोगों की कई सारी बातें याद आती हैं। और नेपाल और इंडिया के जो रिलेशन टाइम टाइम में बिगड़ जाते हैं, इसका आप क्या समझते हो, रीज़न क्या है? ज़्यादा प्यार नुकसान दे रहा है या क्या हो जाता है? मेरा खुद का है ये, इतने सालों में जो मेरा अनुभव है, ये पर्सनल अनुभव ये है कि धीरे धीरे चीज़ों में काफ़ी सुधार हुआ है। मुझे ऐसा लगता है जो आज से 15-20 साल पहले की बातें थी और आज में हम काफ़ी आगे बढ़े। अभी ख़ास तौर से पिछले एक साल में 6 महीने में नरेंद्र मोदी जी के यहाँ आने के बाद कुछ बदलाव दिख रहा है। इस वक्त भी जब ये देश का एक नया जो एक कदम ले रहे हैं, इस कदम के वक्त भी जो भी दोनों देशों के बीच में जो संबंध रहे हैं, वो मुझे लगता है कि काफ़ी उसमें फ़ायदा हो रहा है। और भूकंप के वक्त भी जो जिस तरह से भारत की तरफ से सहयोग आया था। अब छोटी छोटी बातें तो देखिए, आप एक घर के अंदर भी दो व्यक्ति रहते हैं तो कभी कभी छोटा मोटा होता ही है, तो वो तो मेरे ख्याल से उसको वो चलता ही रहेगा शायद, लेकिन उसको पूरे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि खास तौर से दोनों की जो जनता है उनके बीच में तो बहुत आत्मीय मधुर संबंध है ही, क्योंकि बहुत सारे नेपाली डॉक्टर्स इंजीनियर्स स्टूडेंट्स इंडिया जाके पढ़ें और वो इंडिया से शिक्षा लेकर आएँ, और बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो नेपाल आना बहुत पसंद करते हैं। एक आप एक सामान्य, मैं अपने किसी भी साथी से, अपने परिवार के व्यक्ति से इंडिया में मिलता हूँ और उनको पता होता है कि मैं नेपाल में हूँ, वो बड़े खुश होते हैं। और नेपाल के लिए इतना ज़्यादा एक सभी के मन में एक इतना ज़्यादा प्यार और इतने एक मन में एक इतनी अच्छी भावना आती है इंडिया के अंदर, तो वो देख के भी हमको अच्छा लगता है कि सब एक प्राय मुझे लगता है कि जनता के बीच में जो संबंध है वो काफ़ी ठीक ही है। थोड़ा बहुत मुझे लगता है पॉलिटिकली कुछ लोग उसको मुद्दा बनाकर अपना फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उस चीज़ को धीरे धीरे मुझे लगता है वो कम होगी। चलिए अब आपकी प्रोफेशन की तरफ चलते हैं, इंसान में हार्ट अटैक क्यों होता है? देखिए, हार्ट अटैक या हृदयघात जो है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें दिल के जो धमनी होती है, जिससे कि दिल की मसल्स को भी ब्लड सप्लाई होता है, मतलब हमारे जो दिल है वो एक पंपिंग ऑर्गन है, तो वो दिल के अंदर दिल को भी अपना काम करने के लिए नियमित रक्त की संचार, ब्लड की संचार की ज़रूरत होती है, वो उनकी आर्टरीज या धमनी के द्वारा जाता है। ये 3-4 मिलीमीटर चौड़ी आर्टरीज होती हैं या नलियाँ होती हैं, और इन नलियों में कभी एकाएक पूरा ब्लॉक हो जाए, पूरा एक प्रवाह बंद हो जाए, तो वो जो खून था जो मांसपेशी को सप्लाई कर रहा था हार्ट की, वो कट ऑफ हो जाता है और वो मांसपेशी उस वक्त मरने लग जाती है, क्षति होती है वहाँ। तो ये जो दिल की मांसपेशी को जो क्षति होती है जबकि उसका ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो गया है, तो उसको हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट अटैक का मतलब दिल का एक भाग क्षतिग्रस्त हो गया क्योंकि उसकी जो ब्लड सप्लाई थी खुद की वो रुक गई। तो इस तरह से एक धमनी दाईं तरफ होती है, दो धमनियाँ बाईं तरफ होती हैं, टोटल 3 धमनियाँ होती हैं। इन 3 धमनियों में अथवा उनकी किसी शाखा में पूर्ण रूप से 100% ब्लॉक होकर हो जाए, क्योंकि पूरा ब्लड सप्लाई जो है कट ऑफ हो गया है, तो हार्ट का एक छोटा भाग क्षतिग्रस्त होता है, उसको हृदयघात कहते हैं। एक इंसान को कैसे पता चले कि उसे हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, अब उसे सजग हो जाना चाहिए, या यूं कहूं कि सिम्टम्स क्या होते हैं? हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने कि कैसे पता पड़े कि हमें कुछ हार्ट की बीमारी के लक्षण हो रहे हैं क्या। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण हार्ट के लक्षण का कुछ भी संकेत मिलने का तरीका यह है कि आपको परिश्रम के वक्त या कुछ काम करते समय या चलते समय किसी तरह के लक्षण नए शुरू हुए हैं क्या। किस तरह के लक्षण? सांस फूलना, छाती दुखना, चक्कर लगना। तो अगर आपको लगता है कि डॉक्टर साहब, पहले तो मैं 3-4 किलोमीटर रोज़ चलता था और मैं आराम से चलता था, आजकल मैं 2 किलोमीटर चलता हूँ और मुझे छाती में कुछ भारी होता है, और फिर मैं थोड़ी देर रुकता हूँ तो ठीक हो जाता है, या मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तब मुझे तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो हल्का सा कुछ भारी लगता है, दर्द होता है, और थोड़ी देर रुक जाता हूँ फिर ठीक हो जाता है, इसको अनजाना कहते हैं। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण लक्षण है हार्ट की बीमारी का। इसी तरह से सांस फूलना या कभी कभी बेहोश हो जाना
या कभी कभी एकाएक मोटू का धड़कन, हार्ट की धड़कन तेज हो जाना, ढुक 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 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, या मूर्छित या बेहोश होना, इस तरह के 3-4 लक्षण हैं प्रमुख। इनमें से कोई अगर लक्षण आपको नया रूप में नया दिख रहा है, पर मैं सबसे क्या कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ मालूम करने के लिए ज़रूरी है कि हम रोज़ चलें, क्योंकि आप चलें और देखें। मैं इसमें एक चीज़ सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये समझें, चलें और देखें, हिड़नू रह हिड़नू, मतलब ये कि आप चलिए और देखिए कि आप कैसे। सबसे पहले चलते रहेंगे तो पता चलता रहेगा। एग्जैक्टली, चलते रहेंगे तो पता चलेगा। अच्छा, वर्ल्ड में जैसे हर्ट के किस किस टाइप की बीमारियां सामने आई, उनमें से नेपाल में क्या क्या है? तो हार्ट की प्रमुखतः बीमारियां 4 तरह की होती हैं। एक जन्मजात, जिसमें हार्ट के अंदर कोई तरह का छेद हो सकता है। दूसरी होती है वाल्व संबंधित, कि हार्ट का कोई वाल्व, हार्ट में 4 वाल्व होते हैं, माइट्रल वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, एओर्टिक वाल्व, पल्मोनरी वाल्व। इन चारों वाल्व में या तो कुछ सिकुड़ गया है या तो कुछ लीक कर रहा है। और तीसरा होता है हृदयघात संबंधित, हार्ट अटैक। और चौथा जो होता है वो हार्ट की धड़कन खराब हो जाए, तो ये होता है। तो ये 4 तरह की प्रमुख बीमारियाँ होती हैं नेपाल में। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये 4 तरह की बीमारियाँ प्रचलित हैं। और हार्ट अटैक का जो ट्रीटमेंट है वो क्या क्या है, और सबसे बड़ी बात फर्स्ट एड में क्या करना चाहिए? हाँ, ये भी आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। हृदयघात, जैसे एकाएक किसी को छाती दुखने लगा जोर से और हल्का सा पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, तो पता पड़ता है कि कुछ गड़बड़ है। और जब ये खासतौर से जब ये लक्षण 40 साल की उम्र के व्यक्ति को या उसके बाद में हो, और एकाएक लग रहा है कि शायद हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है, सबसे महत्वपूर्ण उस वक्त अगर उस व्यक्ति को 300 मिलीग्राम की एस्प्रिन दे दी जाए, 150 मिलीग्राम की एक टैबलेट आती है तो 2 टैबलेट, और उसको थोड़े मात्रा में पानी से उसको कहा जाए कि चबा लीजिए उसको और पानी से ले लीजिए, तो हृदयघात से होने वाली मृत्यु 25% घट जाती है उसी से। 25% तो उसी से ट्रीटमेंट हो गया आपका घर में ही। तो फर्स्ट एड के रूप में हम सबसे पहले ये कहते हैं कि एस्प्रिन की 2 टैबलेट दी जाए, 150 मिलीग्राम की 2 टैबलेट, 75 की हो तो 4 टैबलेट, इकोस्प्रिन, डेलिस्प्रिन। मतलब एस्प्रिन को पहले हम सोचते थे कि ये शायद सिर दुखते वक्त एस्प्रिन खाई जाती है। हाँ, पहले तो यही कहा जाता था। और आज की तारीख में हमें पता है कि एस्प्रिन से बहुत सारी जानें बची हैं, क्योंकि वो हार्ट अटैक के वक्त। तो मैं तो लोगों को कहता हूँ, जब ये लंबी फ्लाइट में जा रहे हों या कहीं जर्नी कर रहे हों, तो अपने साथ में 2 टैबलेट एस्प्रिन की रखें, आपको नहीं तो किसी और को काम में आ सकती है। तो मुझे पता नहीं है एयरलाइंस वाले एस्प्रिन रखते हैं कि नहीं रखते हैं। सो सबसे प्रमुख फर्स्ट एड तो ये है। अब उसके बाद में जब आप अस्पताल जाएं, तो आप ऐसे आपको पता होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए कि घर के नज़दीक कौन सा ऐसा अस्पताल है जहाँ 24 घंटे एटलीस्ट एक ECG की व्यवस्था हो, क्योंकि आपको तुरंत उस वक्त ECG कराना ज़रूरी है। ECG कराने के साथ ही हार्ट अटैक का तुरंत डायग्नोसिस 90% 95% पेशेंट्स में हो जाता है। तो डायग्नोसिस के लिए तो सिर्फ एक ECG बहुत है, और जैसे ही ECG हो जाए और अगर ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक है, तो फिर तुरंत एक ऐसे अस्पताल में जाना चाहिए जहाँ पे फिर वही 24 घंटे इस तरह की सुविधा हो कि जहाँ पर हार्ट अटैक के मरीजों का इलाज हो सकता हो। जैसे नॉर्मली पेशेंट ऑपरेशन टेबल में होता है, और उस समय में उसके जो बाहर जो उसके फैमिली वाले बैठे होते हैं, उनके साथ ऐसी स्थिति आती है कि डॉक्टर्स बाहर आके बोलते हैं कि ये करना पड़ेगा या ये करना, व्हाटएवर, तो उसमें बहुत सी स्थितियाँ में हमको ये सुनने को मिलता है दे आर इमोशनली ब्लैकमेल्ड। क्या कहना चाहोगे आप? तो हार्ट अटैक के पेशेंट्स में फैमिली वगैरह को, सभी को जांच करने से पहले ही हमको ये समझना ही चाहिए कि ये जांच तो सिर्फ जांच ही है, जांच से तो कोई पेशेंट का उपचार होगा नहीं। जांच से तो सिर्फ ये पता पड़ेगा कौन सी नस बंद है, और जब तक आप उस नस को खोलेंगे नहीं तब तक उस पेशेंट को फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर कोई हार्ट की नस जो है वो 100% या 90% ब्लड बंद है और उसकी वजह से उस पेशेंट को हार्ट अटैक हो रहा है, तो उस वक्त ये बहुत ज़रूरी है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन रिकमेंड करती है कि कोई भी अच्छा अस्पताल तब माना जाएगा जब हार्ट अटैक का पेशेंट 90 मिनट के अंदर अंदर अस्पताल में पहुंचने के 90 मिनट के अंदर अंदर उसकी एंजियोप्लास्टी हो जाए। मतलब आप देखिए कि पेशेंट अस्पताल में आया, सपोज सुबह 2 बजे, रात को 2 बजे पहुँचा है, उसने दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खुला, इमरजेंसी में गया, मेरा छाती दुख रहा है, उसके कपड़े खोले गए, उसका ECG किया, ECG में हार्ट अटैक लगा, सीनियर डॉक्टर को बुलाया, घर वालों को बताया कि इनकी एंजियोग्राफी करेंगे, पेशेंट को तैयार किया, कपड़े चेंज किए, कैथ लैब खोला,
उसमें एंजियोग्राफी करी, एंजियोग्राफी में ब्लॉकेज निकला, फिर घर वालों को बताया ब्लॉकेज है, अब इसकी स्टेंट करनी है, और फिर आपने उनसे कंसेंट लिया, फिर आपने एंजियोप्लास्टी शुरू करी और ख़त्म करी। अब इन सब चीज़ों के लिए डॉक्टर के पास सिर्फ 90 मिनट, 90 मिनट है, उसमें सारा कुछ करना उस 90 मिनट के अंदर आपको पूरा करना है अगर उस पेशेंट को आपको बेस्ट रिजल्ट देना है। तो इसलिए फैमिली के लिए भी एक इमोशनल एटमॉस्फेयर है, डॉक्टर्स के लिए भी इमोशनल चीज़ है। और देखिए सबसे अजीब बात यह है कि अधिकतर ये बड़ी महंगी चीज़ें हैं फिर, और कोई भी व्यक्ति 2-4 लाख रुपए लेके तो आएगा नहीं। तो उस वक्त आप डिपॉजिट की बात करिए कि कंसेंट की बात करिए, पैसों की बात करिए, और पेशेंट की मृत्यु हो सकती है करते करते भी। ऐसा भी नहीं है कि एंजियोप्लास्टी करेंगे तो सब पेशेंट बच ही जाएंगे। तो 100 में से 90 पेशेंट 95 पेशेंट बचते हैं, लेकिन 5% से 7% पेशेंट्स की मृत्यु हो सकती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर फिर उनके पेमेंट्स का क्या होगा? हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है हमारे यहाँ, और पेमेंट के लिए आप रोक नहीं सकते हो। आप ये नहीं कह सकते कि आप जाओ घर जाकर बैंक से लेकर पैसे लेकर आओ, 90 मिनट के अंदर कैसे इलाज करेंगे आप? तो अभी हमने, मुझे खुशी है कि नॉर्विक हॉस्पिटल में मिस्टर बसंत चौधरी जो हमारे चेयरपर्सन हैं, उन्होंने पिछले 8-10 सालों से ही उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है कि हमको ये स्वतंत्रता है कि किसी भी हृदयघात के पेशेंट को, हार्ट अटैक के पेशेंट को बिना एक पैसे डिपॉजिट करे आप उपचार कर सकते हैं। और उस पर लेकिन यह है कि उसको पता होना चाहिए कि इसका इतना खर्चा है, खर्चा क्या जो कि आप, हाँ, जो कि आप अगले दिन आप पे कर सकते हैं। लेकिन पैसे डिपॉजिट नहीं करने की करने तक हम आपका इलाज नहीं करेंगे, ऐसा तो एटलीस्ट नहीं है। डॉक्टर साहब हम एक ब्रेक लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। दर्शक वृंद, एक छोटो सो ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले ये हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हप्ता को दर्शक प्रश्न, हालै पार्टी परित्याग गरेका एकीकृत माओवादीका प्रभावशाली नेताको नाम के हो? अप्सन ए डाक्टर बाबुराम भट्टराई, अप्सन बी नारायण काजी श्रेष्ठ, अप्सन सी दिननाथ शर्मा र अप्सन डी वर्षमान पुन। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ए बी सी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाई वाई को गिफ्ट ह्याम्पर, कलर्स मोबाइल एक्सपोर्टिंग, प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई सीजी को फैन हीटर, प्रत्येक महीना 1 जनालाई विजेता को नाम आउँदो शनिवार बिहान 10:30 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरव मा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by Life is so sleek in my kitchen. फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर भरत रावत जी से, आओ इस बातचीत में फिर से आगे बढ़ाओ। ये जो आपने फर्स्ट एड की जो बात बताई, उसमें इकोस्प्रिन या डेलिस्प्रिन की जो बात कही, और मान लीजिए हमें फील हुआ किसी पेशेंट को कि मुझे अनइजी है, ज़रूरी नहीं कि वो हार्ट अटैक ही हो, उस केस में भी अगर वो दवाई ले लेता है तो उससे कोई नुकसान है कि नहीं? हाँ, ये भी एक अच्छा प्रश्न, प्रैक्टिकल प्रश्न है। तो ये 1 या 2 टैबलेट एस्प्रिन या इकोस्प्रिन की खाने से कुछ नुकसान नहीं है। यूँ तो शरीर में कोई भी बीमारी ना हो ये सबसे अच्छी बात है, लेकिन हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए किन किन बातों पे ध्यान रखना जरूरी है? ये चीज़ वास्तव में बहुत अच्छी है कि चलिए हमने उपचार की बात कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन ना हो उससे अच्छा क्या है। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। तो बचाव के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि एक अंग्रेजी का शब्द है MADE। मैं आज सभी दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ, ये अंग्रेजी का शब्द आपके स्वस्थ हार्ट के लिए एक मंत्र हो सकता है। MADE। रात को सोते समय आप अपने आप से प्रश्न करें, हैव आई मेड माई डे, क्या आज का दिन मैंने सफल बनाया है। एम का मतलब है मेंटल रिलैक्सेशन, ए का मतलब है अवॉइड टोबैको, डी का मतलब है डाइट कंट्रोल, और ई है एक्सरसाइज। ये 4 चीज़ों में ध्यान दीजिए, MADE। मानसिक तनाव से मुक्ति रखिए, एम। ए, अवॉइड टोबैको, किसी भी प्रकार का धूम्रपान ना करें। डी, खाने पीने में ध्यान रखिए, और ई, नियमित एक्सरसाइज करें। ये 4 चीज़ों में अगर आप ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है आप अपने दिल को सुरक्षित रख सकते हैं। हार्ट की बीट्स बढ़ जानी, वैसे ही लोगों में घटती भी है, जिसके लिए हमने जो सुना है कि पेसमेकर लगाया जाता है। पेसमेकर लगा लेने के बाद और हार्ट अटैक हो जाने के बाद
दोनों अवस्था में लाइफ नॉर्मल जी सकता है इंसान या नहीं, ये उसको सबसे बड़ा टेंशन रहता है। हाँ, ये बहुत ही बहुत ज़रूरी चीज़ है कि ये चीज़ अच्छी तरह से समझ ली जाए कि आपको पेसमेकर लगाओ या आपका हार्ट का ऑपरेशन हुआ हो कि आपको स्टेंट लगाओ, आप बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति की तरह से जिएंगे। तो उसमें थोड़ी सी एहतियात होती है, थोड़ा सा तो पक्का ही आप अपनी जीवन शैली को परिवर्तन करेंगे, क्योंकि पहले की जीवन शैली ठीक नहीं थी इसीलिए शायद आपको तकलीफ हुई है। तो आपने पक्का ही अपने आप को चेंज तो किया ही होगा खाने पीने में और धूम्रपान में और उन सब चीज़ों में, वो तो आपको करना ही है। लेकिन डॉक्टर की सलाह से अधिकतर पेशेंट्स पहले जैसे अपना काम करना, ऑफिस जाना, दुकान जाना, वॉकिंग करना, खेलना कूदना, ट्रैवल करना, सब कर सकते हैं। और आजकल ऐसे पेसमेकर्स आ गए हैं जो कि MRI कंपैटिबल हैं, तो उनको सामान्यतः जो पेशेंट को पेसमेकर लगे होते हैं वो CT स्कैन करा सकते हैं लेकिन MRI नहीं करा सकते। लेकिन आजकल MRI कंपैटिबल पेसमेकर्स आ गए, अभी आजकल हम उस तरह के पेसमेकर्स यूज़ करते हैं कि जिसमें पेशेंट्स पेसमेकर लगाने के बाद MRI भी करा सके। और बहुत बड़ी सारी भ्रांतियाँ हैं कि आप फ़ोन पे बात नहीं कर सकते हैं, मोबाइल नहीं बात कर सकते हैं, TV नहीं देख सकते हैं या चालू मत करिए, ये सब गलत बातें हैं, सब कर सकते हैं। अब जाते जाते एक सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट की तरफ से वर्ल्ड हार्ट डे जो गया, उस पर क्या मैसेज है आपका? सबका हार्ट सुरक्षित और स्वस्थ रहे उसके जो साधन हैं वो सभी जगह हों और सबके लिए हों। तो इस बार इस वर्ष में इस चीज़ को एम्फेसाइज किया जा रहा है, इस चीज़ पर जोर दिया जा रहा है कि सभी जगहों पर सभी लोगों के लिए स्वस्थ हार्ट को रखने के साधन उपलब्ध हों। जैसे कि आप अगर स्कूल जा रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं तो जो कैंटीन में जो आपको स्नैक्स या कुछ खाना मिल रहा है वो स्वस्थ हो, आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे कोई एक्सरसाइज का कोई अगर साधन हो सकता हो तो वो रखा जाए, एक आप जहाँ पे रहते हैं उस जगहों पे अगर आसपास कोई घूमने की जगह या छोटा सा पार्क हो जहाँ पे आप इस तरह की कॉलोनी वाले मिलके कुछ कर सकें कि चलो भाई हम लोग सब इसको साफ रखें और नियमित वॉक करने की एक जगह तैयार करें। तो इस तरह के जो साधन हैं जो बड़े आसानी से बनाए जा सकते हैं और जो सबके लिए वो, मुझे लगता है कि अगर इन चीज़ों पे ध्यान दें, घर से घर पे ही नहीं बल्कि ऑफिस में भी जहाँ पे आप काफ़ी समय बिताते हैं, अपने समाज के अंदर जब आप डिनर पार्टी वगैरह कर रहे हैं, खासतौर से आप देखिए दशहरा आ रहा है, दिवाली आ रही है, तो अब मैं सबको क्या संदेश देना चाहता हूँ कि आप खुद भी स्वस्थ रहें और अपने मित्रों को और परिवार वालों को भी स्वस्थ रखें, उनको ज़बरदस्ती खिलाकर रोक देने का प्रयास ना करें। आपने अपने व्यस्त समय से हमें समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ डॉक्टर। थैंक यू। दर्शक वृंद, अभी आप बातचीत कर रहा था डॉक्टर भरत रावत जी से, आप लोग इना की बातचीत करया और उन बातचीत पर जरूर से गौर करोगा। इतनों कहते हुए अब जाते जाते पिछले हफ्ते पूछे गए दर्शक प्रश्न को जवाब, उनका विजेता को नाम और ई हफ्ते को दर्शक प्रश्न फिर से एक बार। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, नवरात्रि को पहिलो दिनलाई के भनिन्छ? अप्सन ए घट स्थापना, अप्सन बी महानवमी, अप्सन सी सोरह श्राद्ध, अप्सन डी दीपावली। इसको सही उत्तर हो अप्सन ए घट स्थापना। दर्शक प्रश्न को भाग्यशाली विजेता भई वाईवाई को गिफ्ट हैम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ। 9810-1352-57, 9843-22-03-64, 9819-35-05-39, 9808-9972-72, 9811-25-95-46। कलर्स मोबाइल पाउन सफल हुनु भएको छ 9849-26-50-75। बधाई छ, विजेताले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण सहित एक हप्ता भित्र हिमालय टेलिभिजन को कार्यालय मध्य बानेश्वर काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नु होला। मोबाइल नम्बर 9849-23804 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, हालै पार्टी परित्याग गरेका एकीकृत माओवादीका प्रभावशाली नेताको नाम के हो? अप्सन ए डाक्टर बाबुराम भट्टराई, अप्सन बी नारायणकाजी श्रेष्ठ, अप्सन सी दिननाथ शर्मा र अप्सन डी वर्षमान पुन। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ABC वा D मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा SMS गर्नुहोस्। आज के लिए यो कार्यक्रम इतनो ही, अगले शनिवार फिर नई सामग्रियां के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मने भी इजाजत दो और ये कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो है, तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 9849-23804 में या ईमेल संपर्क कर सको हो apnonepal@himalaytv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ अपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो और पुराना एपिसोड देखने के लिए YouTube में
लॉग ऑन कर सको हो और अब आप लोग माने ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो। नमस्कार। सबैको प्यारो आफ्नो नेपाल आफ्नो।